हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अभी हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पे बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो इस आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को देख को हम कैसे पहचान सकते हैं कि इस पर यही क्वेश्चन लगने वाला है या इस क्वेश्चन पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले। तो चलिए हम देखते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था इससे पहले कि हमारा दोनों ब्रैकेट में अगर सेम आते हैं तो क्या होंगे, वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दोनों का साइन प्लस का था। अगर दोनों में माइनस आता था तो क्या होता था, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता था। एक में प्लस हो और एक में क्या हो, एक में माइनस हो किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा। ये तीनों को हमने पढ़ रखे थे। अब हमें जो पढ़ना है, ये दोनों में सेम तो नहीं दिख रहे और दोनों में साइन भी सेम नहीं दिखेगा, तो अगर ऐसा बनता है तो हम इस चौथी आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, मतलब x प्लस ए x प्लस बी वाले को यूज करते हैं। तो समझे ना। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है, वो x प्लस थ्री और x माइनस फाइव लिखा हुआ, ठीक है। अब देखना यहां से जो ये बना x प्लस ए और x प्लस बी की तरह बना। अब हम कैसे पहचाना है x प्लस ए, ये पहला वाला सेम होना चाहिए, दूसरा वाला अलग अलग जैसे दिखा, ये a और b मतलब ये दोनों अलग हुए, वैसे आपका कौन सा आइडेंटिटीज बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा ये x प्लस ए x प्लस बी वाला। तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। चलिए यहां से कंपेयर करना अगर सीख जाओ आप, एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर, ए की वैल्यू किसके बराबर, ए की वैल्यू थ्री। यहां पर अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ लिखोगे, अगर प्लस साइन है तो उसको वैसे ही लिख दोगे। तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ गया, माइनस फाइव के बराबर आ गया। जो ए बी और एक्स की वैल्यू मिला हम इसमें पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है प्लस ए की वैल्यू कितना है थ्री, और बी की वैल्यू है माइनस फाइव, और यहां x आ जाएगा, x की वैल्यू x ही था, और a की वैल्यू किसके बराबर है, a की वैल्यू है जो वो 3, और b की वैल्यू किसके बराबर है, वो माइनस फाइव के बराबर है, ठीक है। यहां आ जाएगा वो x स्क्वायर और ये माइनस टू एक्स, और यहां आ जाएगा माइनस 15, कितना आ जाएगा माइनस 15। ये जो बना हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया, क्या बन गया, पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं और सेकेंड क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो सेकंड क्वेश्चन है क्या, वो रूट टू पी स्क्वायर माइनस सेवन दिया हुआ, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है कि रूट टू पी स्क्वायर प्लस फाइव दिया हुआ। अब देखो ये किस तरह दिख रहा है, पहला सेम, दूसरा अलग अलग, इसका मतलब ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की तरह दिख रहा है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, क्या हो जाएगा इंटू ए बी हो जाएगा। तो देखो एक्स की वैल्यू कितना आने वाला है, रूट टू पी स्क्वायर, और ए की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस सेवन, और बी की वैल्यू किसके बराबर है, वो फाइव के बराबर है। तो यहां पर हमने अगर इसकी वैल्यू पुट करें, यहां पर पुट करिए, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, वो रूट टू पी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू माइनस सेवन, प्लस बी की वैल्यू है जो फाइव, और एक्स की वैल्यू फिर आपको पता है कि रूट टू पी स्क्वायर है, प्लस यहां पर हमने वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस सेवन मल्टीप्लाई फाइव। ये रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बचेगा टू, और पी का स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये फोर हो जाएगा पावर। प्लस यहां पर अगर हमने इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस का माइनस होगा, और साइन भी माइनस ही आएगा, माइनस टू रूट टू पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे वाले का आ जाते हैं, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर माइनस आ जाएगा, ये 35 हो गया। तो ये जो बना, ये बना इस सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल फॉर्मूला का एकदम मक्खन की तरह आप यूज करना सीखे होगे। तो आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या आते हैं थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन जो है 3a by 2 plus, plus 5 by 2 एक ब्रैकेट में, और 3a by 2 minus 7 by 2 ये दूसरे में है। तो a
प्लस बी और एक्स प्लस ए, ऊपर वाला आइडेंटिटीज बन गया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब देखो एक्स एक्स सेम है, मतलब इनमें सेम होना चाहिए, दोनों अलग अलग है, तभी ये वाला आइडेंटिटी लगाना है आप। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सॉरी देखो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स की वैल्यू को अगर कंपेयर करेंगे वो आ जाएगा 3a बाई 2 आ जाएगा, और a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा वो 5 बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये a की वैल्यू मिल गया, और b की वैल्यू क्या आने वाला है, b की वैल्यू यहां से देखो b की वैल्यू हो जाएगा माइनस 7 बाई 2 आ जाएगा। अब इसको हमने पुट करते हैं यहां पर, तो ये आ जाएगा 3a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू किसके बराबर है वो आ जाएगा 5 बाई 2 यहां माइनस 7 बाई 2 माइनस 7 बाई 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू जो है वो 3 ए बाई 2 प्लस ए की वैल्यू यहां पर 5 बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 बाई 2। बस आपने वैल्यू पुट करा और आगे सॉल्व करा, आपका आंसर आपके सामने। ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहां पर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना माइनस 2 अपॉन में 2, फिर मल्टीप्लाई कितना बचा वहां पर 3a बाई 2 प्लस, इसको करेंगे ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बचा क्या यहां पर आ जाएगा 35 अपॉन में 4 हो गया। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 9a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर बाई 4, और यहां प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बचा 1, तो यहां आ गया 3a बाई 2 हो गया माइनस 35 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका इसका, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमने जो फोर्थ क्वेश्चन है वो दिया हुआ आपका 95 मल्टीप्लाई 103। यहां पर देखो कि अगर हम इसको ब्रेक करें, मैंने बताया ऐसे नंबर को ऐसे ब्रेक करा जाता है, लिखने का तरीका ये हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 100 प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां आप अगर सॉल्व करते हो तो ये देखो ये बना एक्स प्लस ए, और ये वाला क्या हो जाएगा x प्लस बी की तरह बन रहा है, कि पहला पहला सेम और दूसरा दूसरा अलग हो गया। तो यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 100, और a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा माइनस 5, और b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा वो 3। अब अगर इसमें हमने पुट करें, इसका फॉर्मूला होता क्या एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहां पर पुट करो x की वैल्यू हो गया 100 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू जो है माइनस 5 प्लस 3, और यहां आ जाएगा 100 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 2 जीरो बढ़ गया, और इसको अगर हमने सॉल्व करें तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 100 हो गया, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। और इसको अगर हमने सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, और ये माइनस 15 हो गया। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, पहले माइनस माइनस वालों को प्लस करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, इसको करोगे 215 हो गया, और इधर माइनस कर देना आपको किसमें से ये 10,000 में से। तो इसमें देखो आप यहां बचेगा 9, एक एक बोरो चला गया, यहां 9 यहां हो गया 10, 10 में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5, फिर 9 में से करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर इसके बाद 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, और यहां बचेगा 9, तो इसका जो आंसर बनेगा ये आ जाएगा। तो चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन जो है वो खुद ही सॉल्व करके आप बताएंगे, इसी की तरह सेम है, बस आपको इस तरह से आपको लिखना है। लिखोगे कैसे इसको, इसको लिखोगे 1000 माइनस 2, और क्या हो जाएगा 1000 प्लस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 1, 2 नहीं आएगा प्लस 1 आएगा,
अब दोनों ब्रैकेट में पहला सेम हो गया और ये दोनों अलग अलग आ गए, तो आपको कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, आपको ये जो ऊपर दिया गया, तो इसको आपको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या आया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तो थैंक यू।